पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद से हरदा जिले में बारूद का जखीरा लगातार मिल रहा है। अब पटाखा फैक्ट्री के पास से मलबा हटाने के दौरान 16 ड्रम्स में हजारों सुतली बम मिले, जिसके बाद पुलिस ने हरदा ब्लास्ट मामले में फैक्ट्री के दो मैनेजर आशीष तमखाने और अमन तमखाने को खंडवा से गिरफ्तार किया है। इस तरह अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के मामले में पटाखा फैक्ट्री के दो और मैनेजर आशीष और अमन दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों सगे भाई हैं। दोनों आरोपियों को खंडवा से पकड़ा गया। अब आरोपियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। इससे पहले फैक्ट्री संचालक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, मन्नी उर्फ रफीक खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं शनिवार सुबह पटाखा फैक्ट्री के पास से मलबा हटाने के दौरान 16 ड्रमों में हजारों सुतली बम मिले और इन्हीं पटाखों को प्रशासन ने पानी डालकर नष्ट करवाया। दिनांक 6 फरवरी 2024 को लगभग 11:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बैरागढ़ क्षेत्र में, जो कि थाना सिविल लाइन के अंतर्गत आता है, वहां पर कुछ पटाखे की फैक्ट्री है, उसमें विस्फोट हुआ है। तो उसमें पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और तत्परता से कार्रवाई करते हुए वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है और अपनी फायर ब्रिगेड है, उनको बुलवाया गया। आसपास के क्षेत्रों, अपने जो जिले हैं, वहाँ से भी फायर ब्रिगेड और मेडिकल की जो सुविधाएं हैं उनको बुलवाया गया, ताकि तत्काल आग पर काबू पाया जा सके और घायलों की देखरेख हो सके और तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहाँ पर उनका प्रॉपर इलाज करवाया गया। वहाँ भी पुलिस की टीम मौजूद रही और यहाँ पर भी तत्काल कार्रवाई की गई। फिर इसके बाद पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करके इनके जो भी आरोपी थे उनको, पहले 3 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और 2 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम क्या क्या है? आरोपियों के नाम है राजू अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, रफीक खान, आशीष तमखाने, अमन तमखाने, इनको गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। मृतकों की संख्या अभी तक कितनी हो गई? मृतकों की संख्या लगभग 13 हो गई है, उसमें से 3 अज्ञात हैं और उनको दो अज्ञात हैं, उनको DNA मैचिंग के लिए उनको भेजा है ताकि उनको। ये उनके मैनेजर हैं जो कि इसका कार्य करते थे। इसमें विस्फोटक अधिनियम की धाराएं लगी हैं और धारा 304 है, 308 और 308 है। बीते दिनों हरदा के बैरागढ़ क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई थी। बता दें कि जिस भवन में पटाखा बनाने का कार्य किया जाता था और जहां विस्फोट सामग्री रखी हुई थी, वो लगभग 4-5 मंजिला थी, जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए थे। इस भीषण दुर्घटना की चपेट में आने से 11 से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं बड़ी संख्या में कई लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, हरदा।